मैं और मेरी छोटी साली के बीच की है। गोवा में हम दोनों ने फुल नाइट एंजॉय किया और उसके बाद मैंने उसे अपनी पूरी घरवाली बनाकर एंजॉय किया। अशोक मुंबई में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता है। उसकी उम्र लगभग 32 साल है। अशोक की साली कोमल वह उसके घर से थोड़ी दूरी पर रहती है। उसके अभी बच्चे नहीं हैं। उसकी उम्र 28 साल की है। वह निहायती खूबसूरत और थोड़ी मोटी थी। अशोक शादी से पहले से ही उसे पसंद करता था और प्यार भी करता था, लेकिन परिवार वाले उसकी बड़ी बहन से शादी करवा दिए। फिर एक दिन हम दोनों की फैमिली ने नए साल में गोवा जाने का प्लान किया था। फिर 31 दिसंबर को हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और 1 जनवरी को सुबह गोवा पहुंच गए। वहां होटल में रूम बुक किए और दोनों फैमिली अपने अपने कमरों में चली गई। मैंने इस बार किसी तरह से अपनी साली के साथ प्यार करने का मन बना लिया था। वह भी जानती थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हम लोग 1 जनवरी को गोवा में काफ़ी घूमे, लेकिन बीच पर जाने का 2 तारीख को रख दिया था। फिर सुबह हम लोग उठे और नाश्ता आदि करके बीच पर आ गए। पूरे गोवा में धूम मची थी और जवान लड़के लड़कियां केवल बिकनी में एक से बढ़कर एक झुंड सामने आ जा रहे थे। उनको देखकर तो मैं काबू में नहीं था। यह सब देखकर मेरी साली कोमल भी तिरछी नज़रों से मुझे देख रही थी। उधर हम सभी ने खूब एंजॉय किया। समुद्र में नहाते समय मैंने अपनी साली के शरीर को छूकर और किस करके उसे जता दिया था कि आज मैं उसे प्यार करने के मूड में हूँ। पानी में नहाने का मज़ा बच्चे ने काफ़ी उठाया और शाम को हम सब होटल वापस आ गए और अपने अपने रूम में चले गए। हम सब काफ़ी थक गए थे। होटल में ही बार और रेस्टोरेंट था, तो हम सभी ने वहाँ खाने का और पीने का प्रोग्राम बनाया। हम लोग वैसे शराब या बियर पीने के आदि नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उसी दिन पीने का प्लान बनाया। साथ में बच्चे होने की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तब मेरी साली के पति ने प्लान बनाया कि बच्चे को होटल में डिनर करवा के उन्हें सुला देते हैं, फिर हम लोग बार में आ जाएंगे और दारू डांस वगैरह का मज़ा करेंगे। हम दोनों ने वैसा ही किया। हम करीब 10 बजे बार में पहुँचे। जाते ही हमने टेबल पकड़ी और अपने पैर सेट करके डांस फ्लोर पर आ गए। मैंने अपनी साली के साथ खूब डांस किया और उसके ऊपर हाथ फेरने के मज़े लिए। कोमल उसी समय समझ गई थी कि मेरी दबी हुई इच्छा क्या कह रही है। शराब का सुरूर भी साथ में ही चढ़ रहा था। डांस फ्लोर के पास ही लगी हमारी टेबल पर हमारे जाम पर जाम सजते जा रहे थे, जिन्हें हम लोग डांस करते हुए आते और होठों से लगाकर शराब का सिप ले लेते। यही सब करते हुए हम सभी को नशे की मस्ती चढ़ गई थी। देखते देखते 10:30 बज गए। हम दोनों ने थोड़ा और ड्रिंक्स लिया और रूम में आने का फैसला किया। मैंने सोचा कि आज मौका अच्छा है। अगर मैं अपनी बीवी और साली के पति को ज़्यादा ड्रिंक पिला देता हूँ तो मैं साली से मिल सकता हूँ। डांस के बाद हम खाना खाने के लिए बैठ गए। उसी समय साली से मेरी नज़रें मिली। उसकी आंखों में वासना की खुमारी दिख रही थी।
मैंने उससे नजरें मिलाई तो उसने मुझे आँख मार दी और अपने होठों पर जीभ फेर कर एक इशारा कर दिया। मैं समझ गया कि वह क्या चाहती है। मैंने कहा, अभी ड्रिंक में मज़ा नहीं आया, एक एक फैग और हो जाए। क्यों साली जी, क्या कहती हो? उसने भी कहा, हाँ जीजा जी, मुझे तो कुछ खास चढ़ी ही नहीं है। सबकी हामी मिलते ही मैंने वेटर को इशारे से बुलाया और उससे चार पैग लगाने को कहा। वह सर हिलाकर चला गया। मैं पेशाब करने के बहाने से उठा और उस वेटर को समझाया कि दो पैग पटियाला कर देना और दो लाइट। उसने हामी भर दी और मैं वापस आ गया। जैसे ही वो पैग लाया, मैंने फट से दोनों पटियाला पैग अपनी बीवी और साली के पति की तरफ सरका दिए। वेटर ने कुछ कहना चाहा तो मैंने उसे अपने पैर से चुप रहने का इशारा कर दिया। वह कुछ नहीं बोला और जाने लगा। जाने से पहले उसने कुछ और लाने के लिए पूछा। मैंने उससे कह दिया कि एक हाफ बोतल और ले आओ, हम लोग अपने पैर खुद बना लेंगे। वह सर हिलाकर चला गया और जल्द ही एक हाफ रख गया। मेरी बीबी और साली के पति ने अपने पैर लेते हुए कहा, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि अब चलकर सोना ही तो है, पी लो। मेरी साली मेरी ओर देख रही थी, शायद वह समझ गई थी कि ये मैंने खेल खेला है। शराब पीने के बाद वो दोनों टल्ली हो गए और किसी तरह खान खत्म करके हम सब कमरों की तरफ आने लगे। मैंने वह बोतल उठा ली थी। उस समय तक मैं और साली पूरे होश में थे, जबकि मेरी बीबी को तो मुझे सहारा देकर ले जाना पड़ रहा था। उधर साली का पति भी काफ़ी लड़खड़ा रहा था और मेरी साली उसे सहारा दी हुई थी। उसी बीच मेरी नज़रें एक बार फिर से साली से मिली और हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर मैं अपनी वाइफ को होटल के अपने कमरे में ले गया। बिस्तर पर सारे बच्चे एक साथ सो रहे थे तो मैंने बीबी को वहाँ पड़े सोफे पर सुला दिया। वो नशे में हिलने की हालत में नहीं थी। सोफे पर लिटाते ही उसकी आँखें बंद हो गई थी। मैं वहाँ से अपनी साली के कमरे में आया तो देखा कि साली का पति अब भी बुदबुदा रहा था। साली एक ओर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने साली को बोतल दिखाते हुए इशारा किया। कोमल मेरे पास आई और बोतल खोलकर एक नीट पैग बनाकर अपने पति को पिलाने लगी। उस समय उसका पति सोफे पर अधलेटा सा बैठा था। कोमल ने अपने हाथों से अपने पति को अपनी कसम देकर शराब पिलाई। वह अब फूल नशे में हो गया था और सोफे पर लुढ़क गया था। अब कोमल बेड पर लेटकर मुझे देखने लगी। मैं भी थोड़ी देर उसकी खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, लेकिन वह जब कपड़े चेंज करके आई तो क्या गजब की कयामत लग रही थी वह। मैं भी उसके पति की तरफ देखते हुए उसके साथ जी भर के मौज की। फिर क्या, अब तो हम लोग मौका की तलाश में रहते हैं। जब भी मौका मिलता है एक हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल प्रेग्नेंट हो जाती है। जब डिलीवरी होती है तो कोमल जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अब कभी हमारी शरारती साली मिलती है तो मैं आँख मार देता हूँ तो वह मुस्कुरा देती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी?
आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।